सिवान जिले के निवासी दीपक भारती को दिल्ली प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार और दिल्ली प्रभारी भगवान सिंह कुशवाहा के द्वारा दीपक भारती को दिल्ली प्रदेश महासचिव बनाया गया है। प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर दीपक भारती का कहना है कि दिल्ली प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी पार्टी में जगह मिल गई है, ये सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में हो सकता है। आपको बता दें कि दीपक भारती सिवान जिला के हुसैनगंज प्रखंड स्थित फाजिलपुर के निवासी हैं, जो दिल्ली में कई वर्षों से रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहारियों के हक के लिए मेरे से जितना होगा उतना मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि छपरा जिले के अब्दुल कलाम आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव बनाया गया है। वहीं बेतिया जिले के विवेक जी को प्रदेश सचिव दिल्ली बनाया गया है। यह बिहारियों के हक के लिए दिल्ली में संघर्ष जो जारी है उसमें एक अच्छी पहल है।